जब भी आप बेबी प्लानिंग करते हैं, सारे रिपोर्ट्स अच्छी होने के बावजूद भी आपकी प्रेगनेंसी सक्सेस नहीं होती, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो जाता है या फिर हार्ट बीट ना आने से आप परेशान होते हैं, फाइनली आपको अबॉर्ट करवाना पड़ता है। तो ये क्यों होता है और इस प्रॉब्लम से कैसे आप बच सकते हो, तो आपको बिल्कुल सिंपल सा आइडिया फॉलो करना है जो आज के वीडियो में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे कैसे आप उस चीज़ को कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली जान। फ्रेंड्स, हमारी फर्टिलिटी का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, जो सीक्रेट है, हमारे डाइट, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल में छुपा हुआ है और उन्हीं के अमेजिंग आइडियाज मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉलिक एसिड जो होता है, किस तरीके से सेल रीजनरेशन, हीमोग्लोबिन इम्प्रूवमेंट, डीएनए मेकिंग में हेल्प करता है, जिससे आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी रहती है और हेल्दी प्रेगनेंसी रहती है इसलिए वो पूरी तरह से सेफ रहती है। तो फॉलिक एसिड किस तरीके से हेल्प करता है, आइए समझते हैं, फिर हम जानेंगे कि फॉलिक एसिड के डोजेस कितने लेने चाहिए अगर आप टैबलेट ले रहे हैं, कितने समय तक लेने चाहिए और अपने डाइट में फॉलिक एसिड के लिए किन किन चीजों को खाएं, किस तरीके से खाएं, किस टाइमिंग से खाएं, ये सारी चीजें समझने के बाद ही इस आइडिया को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आशा करती हूँ आपने यूट्यूब सहेली चैनल को ज्वाइन कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, जिससे हमारे वीडियो के डेली अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, फॉलिक एसिड है क्या? फॉलिक एसिड बी विटामिन का एक हिस्सा है। फॉलिक एसिड को प्रेग्नेंट होने के लिए कितना समय पहले से खाएं? क्या अगर हम फॉलिक एसिड नहीं खाएंगे तो हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे? देखिए, फॉलिक एसिड को कम से कम 3 महीना पहले से शुरू कर देना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंसी चाहते हैं। महिलाओं को नियमित 3 महीने कम से कम फॉलिक एसिड लेना चाहिए, इससे उनकी प्रेगनेंसी में डिफेक्ट आने के चांसेस कम रहते, हेल्दी प्रेगनेंसी रहती है। लेकिन अगर आप 6 महीना या और ज्यादा समय से फॉलिक एसिड ले रही हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है, ये आपकी बॉडी को रेडी करता है। कैसे रेडी करता है, क्या चेंजेस लाता है आपकी बॉडी में? तो फ्रेंड्स, फॉलिक एसिड जो है डीएनए मेकिंग में हेल्प करता है, शरीर में कोशिका और ऊतक, सेल एंड टिश्यू जनरेशन में हेल्प करता है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसका एक प्रमुख काम है डीएनए मेकिंग, इसलिए ये आने वाली प्रेगनेंसी में संभावित जो डिफेक्ट्स होते हैं उनसे उसको बचा लेता है। जो आप फूड लेते हो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसको मेटाबोलाइज करने में फॉलिक एसिड इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अगर आपको कमजोरी रह रही है तो फॉलिक एसिड उसमें भी हेल्प करने वाला है। खून की कमी रह रही है, भूख नहीं लगती है, डिप्रेस्ड रहते हो, मूड लो रहता है, तो इन सभी केसेस में फॉलिक एसिड हेल्प करने वाला है। तो फॉलिक एसिड कितनी मात्रा में खाएं अगर आपको टैबलेट लेनी है? 4 से 5 mcg माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड प्रतिदिन आप ले सकते हैं, दिन में केवल एक बार। इसको लेने का सही समय कब है? जब इसको लेने से इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो है नाश्ते के बाद। मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट करते हो उसके बाद आधे घंटे बाद आप फॉलिक एसिड की टैबलेट ले सकते हो। याद रखें, जब आप फॉलिक एसिड खा रहे हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट स्पेशली ले रहे हैं, ऐसे में 2 घंटा पहले और 2 घंटा बाद तक चाय और कॉफी का सेवन ना करें। इसके आसपास अगर आप चाय का सेवन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है और फॉलिक एसिड का लाभ आपको नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टैबलेट के अलावा मैं अपनी डाइट में भी फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में लूं, तो आपको जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो खानी, जितनी हरी सब्जियां हैं उसको अपनी डाइट में हर दिन थोड़ी हरी सब्जियां जरूर रखनी है। कई बार ऐसी डाइट होती है कि हम बस नॉर्मली कैजुअली खाना अपना किसी तरह से फुलफिल कर रहे हैं कि कुछ प्रोटीन ले लिया, कुछ कार्ब ले लिया, लेकिन सब्जियों को अगर इग्नोर करेंगे तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी आपको रहेगी। तो आप डाइट में भी हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनको आप जरूर खाएं। इससे प्रेगनेंसी में बहुत आसानी होगी और आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।